सेशन में बड़ा सवाल, और उस बड़े सवाल पर आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, जो लगातार पूछा जा रहा था कि आखिरकार रात में 100 क्यों जलाया गया। जी हाँ, ये बड़ा सवाल था और इस पर बीजेपी के ऊपर चोट मारी जाती थी, यानी इसी सवाल के घेरे में खड़ा हो गया था हिंदुस्तान और पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी कि आखिरकार हिंदू धर्म में जब रात को 100 नहीं जलाया जाता तो योगी पुलिस ने रात में उस पीड़िता का 100 क्यों जलाया था। उसी पर आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने उस हलफनामे में क्या लिखा है, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आखिरकार सच क्या था, योगी आदित्यनाथ ने उस हलफनामे में सच का भी उजागर किया है कि विपक्षी पार्टियां कौन कौन सा नंगा नाच करने वाली थी, उसको भी योगी आदित्यनाथ ने उस हलफनामे में लिखा है। तो पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज हाथरस केस को विपक्ष अपनी दुकान चलाने के लिए राजनीति रोटियां सेक रहा है, लेकिन सच क्या है आज सामने आ चुका है। पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैं सबसे पहले एक ट्वीट दिखाता हूँ, वो आप ट्वीट देखिए, उसके बाद मैं योगी आदित्यनाथ का वो हलफनामा दिखाऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा जो शायद आज की इस खबर का सबसे बड़ा सबूत होगा। एनआई ने ट्वीट किया है, हैशटैग हाथरस केस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कन्विस्ट पेरेंट्स ऑफ डिकेस्ट टू क्रीमेट हर एट नाइट टू अवॉइड लार्ज स्केल वायलेंस इन द मॉर्निंग, यूपी गवर्नमेंट इन एफिडेविट टू एससी सिटीज इंटेलिजेंस इनपुट्स ऑफ पॉसिबल असेंबली ऑफ लाख्स ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड इशू बीइंग गिवन कास्ट कॉमनल कलर। यानी कि इस ट्वीट का अब मैं आपको हिंदी समझूंगा, आखिरकार ये ट्वीट यही बता रहा है कि पीड़िता को इसीलिए रात में जलाया गया क्योंकि सुबह हिंसा होती, हिंसा को बचाने के लिए उस शव को रात में जलाना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे पास खबरें आई हैं कि विपक्ष नंगा नाच करता, रोड पर लाश को रखी जाती और उसके बाद हिंसा होती, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ ने रात में उसका अंतिम संस्कार किया। ये मैं नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का वो हलफनामा बता रहा है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया है। चलिए, पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं और आप पूरी खबर जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज बड़ा खुलासा हुआ है और सबूत गैंग जो है मैं उनको सबूत भी दिखाऊंगा, और योगी आदित्यनाथ ने एक्शन किया लिया है। कई सारे सवाल हैं जो आज जनता जानना दे रही थी और उसका जवाब सुनने के लिए तैयार थी। सचमुच आज योगी आदित्यनाथ ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है और वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सौंप भी दिया है। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है। अदालत इस मामले में दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। फिलहाल मामले की एसआईटी जांच चल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें अदालत से मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने और अदालत द्वारा उसकी निगरानी किए जाने की मांग भी की है। अदालत ने बताया कि संभावित दंगों के कारण प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। इसके अलावा सरकार ने दावा किया है कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का वो हलफनामा यही बता रहा है कि यूपी पुलिस द्वारा उनके माँ बाप से बात की गई थी और रात में ही शव को जलाने के लिए मना भी लिया था, यानी कि घर वाले राजी भी हो गए थे और उनके
इस राजी होने के कारण ही रात में शव को जलाया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। हाथरस पीड़िता के गांव में राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला आज भी जारी है। जिस तरह से आज सीताराम येचुरी, डी राजा और वृंदा करात पीड़िता के परिवार से मिलने उनके घर पहुंच चुके हैं। हिंसा से बचाने के लिए रात में किया गया पीड़िता का अंतिम संस्कार। यूपी सरकार ने अदालत में दिए हलफनामे में कहा कि जिला प्रशासन ने पीड़िता के माता पिता को सुबह बड़े पैमाने पर होने वाले हिंसा से बचाने के लिए रात में अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया। खुफिया इनपुट के हवाले से संभावना जताई गई थी कि मामले की जांच सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। यही नहीं बल्कि यूपी सरकार ने जो हलफनामा दायर किया वो भी मैं आपको बता दूं लिखा क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया है। इसमें सरकार का कहना है कि अदालत को हाथरस में लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। राज्य सरकार का कहना है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच करवा सकती हैं, लेकिन निहित स्वार्थ जांच को पटरी से उतारने के उद्देश्य से कोशिश कर रहे हैं। हलफनामे में कहा गया है कि अदालत को मामले की सीबीआई जांच की निगरानी में करनी चाहिए। यही नहीं बल्कि पीड़िता के परिवार वालों को सुरक्षा भी दी गई है। हाथरस पीड़िता के परिवार की मां पर उन्हें पुलिस सुरक्षा मिल चुकी है। थोड़ी देर में मामले की सीबीआई जांच और केस दिल्ली हस्तांतरित करने वाली है। जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है। हाथरस आने वाले 4 लोग को गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि योगी सरकार का कहना है कि हाथरस के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में दिल्ली से हाथरस आ रहे 4 संदिग्धों को मथुरा में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका कनेक्शन पीएफआई से है। इसमें विदेशी फंडिंग होने का दावा किया जा रहा है। 2 याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। एक याचिका में मामले की सीबीआई और एसआईटी जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी याचिका में सुनवाई यूपी से दिल्ली हस्तांतरित करने की मांग की गई है। साथ ही मामले की जांच शीर्ष अदालत या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। ऐसा योगी आदित्यनाथ का हलफनामा कह रहा, और ऐसा योगी आदित्यनाथ की मांग है कि जिस तरह से एसआईटी भी जांच कर रही है और सीबीआई भी जांच कर रही है, सच क्या है सब सामने आ जाएगा। और आज योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को जवाब दिया है जो हमेशा कहते थे कि आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या सच छुपाना चाह रही थी भाजपा, क्या सच छुपाना चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ, जिस वजह से रात में शव को जलाया गया और उसका प्रमाण आज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। तो आप भी अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।